सुशील छोटा भाई तोर बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में अब की कमी जरा है हर चीज खास है अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है अब है जो है वो समा है तुम रह सके ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग एंट्री कर चुके हैं। ये एंट्री का गेट है और गेट नंबर वन है। गेट नंबर वन से हम लोग एंट्री कर चुके हैं। यहाँ से एंट्री होता है और इधर से एग्जिट होता है यानी निकासी करने का गेट है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे एंट्री कर चुके हैं हम लोग। पटना जू खाना में आ चुके हैं, जू घर आ चुके हैं, चिड़ियाघर में आ चुके हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का नज़ारा कैसा है और जू का हर एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। पटना का जो भी चिड़ियाघर है ना, हर एक जानवर दिखाने वाला हूँ। जो भी विशाल जानवर है, जो भी बड़ा बड़ा जानवर है, हर चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप लोग वेट कीजिएगा, तरह से मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबको चल रहा है और फिलहाल अभी मैं भी चल रहा हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, भेड़िया है और ये सब भेड़िया आप देख सकते हैं। देखिए आपको अपनी आँखों से देख सकते हैं दोस्तों, ये सब भेड़िया है जो जंगल में रहा करता है, वो सब भेड़िया यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए आपको देखने को मिलता है यहाँ पे खेल रहा है, कूद रहा है और ये लोग नाच रहा है। चलिए आखिर मैं उधर चला गया, चलिए मैं आगे का फिर प्रोसेस दिखाता हूँ। And you could call me academic, I'm always working, never been apathetic. Bad energy is like a poison, needs a man antiseptic. देखिए दोस्तों यहाँ पे जो लोग सही से नहीं जानता है कि किधर जाना है, बहुत सारा रास्ता है, तो ये सब गाड़ी से जा रहा है। गाड़ी में उसको हर एक चीज़ को शेयर कराता है, नज़ारा कराता है और वो जा के दिखता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे तेंदुआ। देखते हैं ना तेंदुआ का, देखते हैं ना दोस्तों यहाँ पे तेंदुआ का जो बोर्ड है कितना ख़तरनाक है। चलिए मैं आपको तेंदुआ का फ़ोटो दिखाता हूँ, कहाँ पे तेंदुआ है और तेंदुआ आपको दिखा के आता हूँ। चलिए थोड़ा सा डर लगता है लेकिन मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ तेंदुआ कहाँ पे है, कैसे क्या है नहीं है। हे गाइस आप देख सकते हैं तेंदुआ के बगल में आ चुके हैं लेकिन एक्चुअल में कहाँ पे तेंदुआ है। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तेंदुआ देखने को मिलता है। ये देखिए दोस्त गाइस, ये तेंदुआ देखने को मिलता है। बहुत अच्छे तरीके से सेफ्टी के साथ यहाँ पे जाली से घेरा रखा हुआ है। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे तेंदुआ, एक्चुअल में उतना कैमरा साफ नहीं दिखाता है। बहुत दूर में है दोस्तों, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको उतना साफ सुथरा दिखा नहीं पा रहा हूँ। यह तेंदुआ देख सकते हैं वहाँ पे बिल्कुल बैठा हुआ है। चलिए मैं आगे का फिर दिखा रहा हूँ तेंदुआ कहाँ पे हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, गाइस देख सकते हैं ये है शेरनी और देख सकते हैं कितना ख़तरनाक है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ,
देखिए गैस, ये है शेरनी और पूरा घेराव घेरा हुआ है, जाली से घेरा हुआ है, क्योंकि ये छलांग लगा करके किसी भी इंसान को खूंखार कर सकता है, किसी भी इंसान को मार सकता है, जिसके कारण बहुत ही सेफ्टी के साथ घेरा हुआ है। चलिए मैं आगे का फिर आपको सारी चीज़ दिखाता हूँ। चलिए अब आगे क्या आने वाला है। अच्छा ठीक वहाँ पर आएगा। चलिए सब कुछ चल रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, अभी आपको व्यू दिखाने वाले हैं। गैस आप देख सकते हैं, ये है शेर का, बिल्कुल सेम टू सेम बना हुआ है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये एक कार्टून की तरह बना हुआ है, पुतला की तरह देखिए बना हुआ है, शेर का लोगो है ये। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, चलिए आप बने रहिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसके बाद आएगा क्या, इसमें क्या रहता है। सुशील छोटा भाई तोर। हेलो दोस्तों, देख सकते हैं ये शेरनी है और कितना दहरता है, इनकी आवाज से ही सबको डर लग जाता है। देखिए गाइस, सबको अभी देख रहा है, क्या था ना गाइस, आप देख सकते हैं कितना खतरनाक आवाज है, शेर की तरह दहर रहे हैं अभी। देख सकते हैं कितना खतरनाक है। और बताइए सर, आप लोग बताइए, अभी चिड़ियाखाना घूमने के लिए आए, कैसा फील हो रहा है आप लोगों को? अच्छा फील हो रहा है ना अंकल जी? अच्छा लग रहा है ना? हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हे गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, शेर यहाँ पे है और शेर एक्चुअल में ना इस तरह के उस पार है, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। चले मैं आपको लाइव प्रूव करके दिखा रहा हूँ, टाइगर का वीडियो दिखा रहा हूँ आपको। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको टाइगर का फ़ोटो दिखा रहा हूँ, टाइगर का वीडियो देख सकते हैं, यहाँ पर सबको आए हुए हैं टाइगर देखने के लिए और आप देख सकते हैं यह है टाइगर और यहाँ पर चल रहा है, कभी उधर जाता है कभी इधर आता है, देख सकते हैं कितना भूखे पेटे हैं, भूखे मारे अभी वो इधर उधर घूम रहा है, जिसके कारण अभी कुछ नहीं कर पा रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अच्छे से, बगल से मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा करके दिखा रहा हूँ। हे गाइस, आप देख सकते हैं यह है टाइगर और ये जंगल वाला टाइगर है, आप देख सकते हैं कितना खतरनाक है, कितना डेंजर है, देख सकते हैं ये है टाइगर। देखिए दोस्तों, आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। चलिए मैं टाइगर दिखाने के बाद फिर आप, मैं आपको सच दिखाने वाला हूँ, आगे मैं आपको फिर और भी सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं, और भी जानवर दिखाने वाले हैं, बाघ जिसको हम टाइगर कहते हैं है? चलिए खैर जो भी हो, मैं फिर आपको अगला वाला दिखाता हूँ कहाँ पे है या नहीं है। हाँ गाइस, आप देख सकते हैं ये है वाइट टाइगर, आप देख सकते हैं ये सफ़ेद बाघ है, देख सकते हैं, शायद आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। ये सफ़ेद बाघ देखिए कितना ज़्यादा बड़ा है, एक बार अगर इंसान को हमला कर दे तो इंसान मर जाएगा। चलिए मैं फिर आपको दिखा, मैं आ
आ गया हूँ अभी भालू के पास। देख सकते हैं देसी भालू, ये है देसी भालू, आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये है भालू, और भालू देख सकते हैं कभी नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। ये देख लीजिए भालू है, और कितना ज़्यादा ब्लैक, कितना ज़्यादा काला है आप देख सकते हैं। देखिए भालू का भी नज़ारा कर लीजिए, शायद आपने नहीं देखा होगा तो आप बढ़िया तरीके से देख लीजिए। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे भी दो भालू है, कितना बड़ा लगता है देखने में, और बिल्कुल ही हिमालय काला भालू। कैसा लग रहा है गाइस आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही ये है भालू, और वहाँ पे एक भालू बैठा हुआ है और यहाँ पे एक भालू है। इंसान को एक मरतबा अगर अटैक कर दे, इंसान को एक बार अगर हमला कर दे तो इंसान को पूरा खा लेता है। देखिए कितना बड़ा है, ये है भालू, देखिए खुद ही आप अपनी आँखों से देखिए। अबे गैस देखिए यहाँ पे कितने सारे लोग यहाँ पे आके देखने के लिए आए हैं, सभी लोग यहाँ पे देखने के लिए आए, सब गाड़ी से दिखता है सब कोई। आओ इधर आओ इधर। देख सकते हैं ये पिंजरे के अंदर अभी गिरफ्तार क्या हुआ है, और एक्चुअली मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, पूरा पिंजरा से ढका हुआ है। चलिए मैं आपको फिर दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस। देखिए आप सभी पक्षियों को देख सकते हैं यहाँ पे, कोई पैरट है, कितना ऐसा वगैरह से इसका पर है, पंख है, आप देख सकते हैं, है सब देख सकते हैं। देखिए कितना खतरनाक लग रहा है देखने में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ओ कितना खतरनाक लग रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। ये है मोर पाखी, ये छोटा सा है मोर पाखी, और चलिए मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ चिड़ियाघर। तो चिड़िया का तो फोटो आपको देखना पड़ेगा ना दोस्तों, तो चिड़िया का भी फोटो देख लीजिए गाइस, और मोर का भी देख लीजिए सभी, तो चिड़िया मोर हर प्रकार के आपको यहाँ पे अनेक प्रजातियों का आपको सब चीज़ देखने को मिलेंगे। गाइस देख सकते हैं ये देखिए मोर, देखिए गाइस कितना अच्छा लगता है देखने में, कितना खूबसूरत, कितना अच्छा लगता है देखने में, जैसे पंख फैलाएगा और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा देखने में। चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी अनेक प्रजातियों को देखने को मिलेंगे, पक्षियों का हर प्रकार की प्रजातियों को देखने को मिलेंगे। यह चील आप देख सकते हैं, और मैं आपको और भी दिखा रहा हूँ दोस्तों, यह पैरोट, मैं आपको और भी दिखा रहा हूँ दोस्तों, यह पैरोट, वहाँ पे अनेक प्रकार की, वहाँ पे आपको अनेक प्रकार की आपको पक्षियाँ देखने को मिलेंगे, बहुत तरह तरह के आपको पक्षी देखने को मिलेंगे। देखिए सबको देख रहा है और सबको नज़ारा कर रहा है, तो चलिए मैं थोड़ा सा आपको भी नज़ारा करके दिखा देता हूँ। चलिए देख लीजिए गाइस, इधर से आप देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे जो पानियों में रहता है, देखिए जिसको हम बतख कहते हैं, हंस कहते हैं, वो सब आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा देख सकते हैं दोस्तों, आप कभी भी अगर कछुआ नहीं देखे होंगे तो आप कछुआ देख सकते हैं, कितना सारा कछुआ है, बिल्कुल ही छोटा छोटा सा कछुआ, और देख सकते हैं जो पानी में रहता है, लेकिन अभी आपको सूखा में देखने को मिलेंगे दोस्तों। देखिए यहाँ पे सूखा में रहता है, किस प्रकार से देखिए कि ये सबसे बड़ा कछुआ है, और ये सब कछुआ है देख सकते हैं।
देखिए इधर से आने का रास्ता है, आने के बाद इधर से फिर लोग इधर से निकल सकते हैं। चलिए मैं इधर से निकल कर फिर आपको दिखा रहा हूँ आगे आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आइए फिर आपको दिखा, ये सब गाड़ी से सबको घूम रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, नील गाय है ये सब, ये हिरन नहीं है, ये नील गाय है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये है सब नील गाय है। और देखिए खुद अपने बगल से ही खुद देख लीजिए, ये सब नील गाय है।